हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं बताने वाला हूँ कि जरी कटिंग कैसे करते हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए जो दीवार में पाइप लगते हैं उसके लिए नाली कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभी मेरे हाथ में ग्राइंडर है, इसको एंगल ग्राइंडर कहा जाता है। जहाँ पर आपको नाली बनानी है वहाँ पर आप पहले मार्किंग कर लीजिए, 1 इंची के डिस्टेंस पर 2 नाली बनानी है। फिर उसके बाद आप ग्राइंडर चलाइए, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। आप अगर बिगिनियर है या अभी अभी मतलब आप इलेक्ट्रिशियन बनना जा रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक काम करें, क्योंकि मेरे ग्राइंडर पे हैंडल है, आप देख सकते हैं मैं हैंडल को पकड़ा हुआ है। आप बिना हैंडल वाला ग्राइंडर यूज़ ना करें तो बेहतर होगा, और आप अच्छे से अच्छे कंपनी का ग्राइंडर यूज़ करें, जिससे कि वो ग्राइंडर की लाइफ टाइम बनी रहेगी और स्मूथली काम भी होगा आपका। और जैसे मैं नाली काट रहा हूँ, बस आप देखते रहिए आखिरी तक, क्योंकि इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा। और इस वीडियो में मैंने चीनी हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया है, ख़ास बात यही है इस वीडियो में। तो देखिए कि मैंने चीनी हथौड़े की जगह का क्या यूज़ किया है, बस आप देखते जाइए। मैं नाली काट रहा हूँ, सिर्फ 2 लाइन मार दिया मैंने। बस अभी मैं जो झरी मार रहा हूँ वो जंक्शन बॉक्स के लिए, मतलब जो सीलिंग से पाइप उतरा है नीचे, वहाँ पे पॉइंट देना है। और वहाँ पे सीलिंग से 1 या 1.5 फीट नीचे, हम नॉर्मली 14 से 16 इंची नीचे लेते हैं सीलिंग से, और वहाँ पे हम ये कर देते हैं, मतलब जंक्शन बॉक्स फिट कर देते हैं। ये देखो, अभी ये जो मेरे हाथ में, इसको ब्रेकर कहते हैं। देखो मैं कैसे ब्रेकर से काट रहा हूँ, और ध्यान रखें कि आपके पास ब्रेकर है तो आप ब्रेकर से करिए, अगर चीनी हथौड़ा है तो चीनी हथौड़े से कीजिए। लेकिन चीनी हथौड़े से मार लगने का डर रहता है हाथ में, और उसमें समय भी बहुत चला जाता है। तो ये ब्रेकर कम से कम 1800-2000 के बीच में आता है, तो कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। 1800-2000 रुपये तो आप नॉर्मली से परचेस कर सकते हैं इसीलिए। 1800-2000 रुपये तो बस ऐसे निकल जाते हैं आपके काम के, तो ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये बस ब्रेकर है, देखिए मैंने दीवार का कर लिया। अब जहाँ पे कॉन्क्रीट रहता है वहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप कॉन्क्रीट देखते, आप देख सकते हैं ये 4 इंची का कॉन्क्रीट है, वहाँ पे मैंने ग्राइंडर चलाया। तो आप क्या करें, जहाँ पे कॉन्क्रीट है वहाँ पर आप मतलब 3-4 लाइन 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप 3-4 लाइन आड़ी आड़ी मार दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो कॉन्क्रीट है वो जल्दी निकलेगा। और देखिए ये 7 फीट की जरी है, मैं कम से कम ये 7 फीट की जरी को मैंने कम से कम 7 फीट की जरी के साथ साथ मैंने मेटल बॉक्स की जरी भी, मतलब बोर्ड की जरी भी मैंने 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर दी है। ये 8 फीट की जरी है, अब देख सकते हैं आप। तो अगर आप नॉर्मली हाथ से करते हो तो आपको काफ़ी समय लग जाता है। 7 से 8 फीट की जरी मारने के लिए आपको 1/2 घंटा लग जाता है। देखिए मैं कैसे ग्राइंडर चला रहा हूँ और कैसे हैंडल को पकड़ा हुआ है, तो आप भी उसी तरह कीजिए, या आपको जैसे सूटेबल होता है वैसा कीजिए। लेकिन हाँ, सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। ये मैंने ये 12 मॉड्यूल का बॉक्स के लिए जरी मार रहा हूँ, तो उसके लिए नॉर्मली 6x8 का मतलब लेंथ तो उसकी 6 इंच होती है, 6 या 7 इंच, और विड्थ उसकी 8 या 9 इंच होती है। तो देखिए मेरा अभी मेटल बॉक्स बराबर उसके साइज़ के हिसाब से मैंने काट दिया। अब मैं ब्रेकर लूँगा, ये ब्रेकर से देखिए कितने जल्दी जरी हो जाता है। आप जब भी ब्रेकर परचेस करेंगे तो 3 फंक्शन वाला परचेस कीजिएगा। 3 फंक्शन उस पर क्या होता है, 3 फंक्शन में नॉर्मली एक सादा ड्रिल होता है, नॉर्मल ड्रिल, उस पर हैमर नहीं रहता, हैमर ड्रिल नहीं हो सकता, सिर्फ फॉर्मल ड्रिल।
और दूसरा फंक्शन ये होता है उसका, ब्रेकर ड्रिल का, और दूसरा हैमर ड्रिल होता है, मतलब ड्रिल भी होगा और हैमर भी मारेगा, ठीक है। और तीसरा फंक्शन होता है उसका ब्रेकर, सिर्फ वो घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं होगा, सिर्फ ब्रेक मारेगा ब्रेकर का। जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो आप देखते होंगे ट्रैक्टर में लगा लगा हुआ रहता है ब्रेकर, सिर्फ ये उसी तरह का ब्रेकर है, लेकिन ये छोटे साइज का। मैंने एक बार जरी मार दिया था, मैं दोबारा जरी अभी इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि जो हमारा मेटल बॉक्स होता है वो 2 इंची मोटा होता है, तो इसलिए पहले, क्योंकि जो हमारा कटर मार दिया वो सिर्फ दीवार के अंदर 1 इंच जाता है, तो फिर 1 इंच की जरी मारने के बाद ब्रेकर मारने, उसके बाद ब्रेकर मारने के बाद उसका और 1 इंच अंदर डालना पड़ता है, मतलब वो पूरा 2 इंच अंदर डालना पड़ता है। अभी मैं ब्रेकर लूँगा, देखो ये हो गया, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर आप सिस्टमेटिकली कर रहे, दिमाग से काम कर रहे तो अच्छा हो जाता है। ये देखिए ये भी हो गया, अब ये तीसरी लाइन ये भी हो गई। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका अगर आप ब्रेकर खरीदते हो तो उससे आपका काफ़ी समय बच जाता है। छीने हथौड़े से करोगे आपका, आप समझ जाओ आपका 4 रूम है, 4 रूम को आपको बिना ब्रेकर के, मतलब सिर्फ छन्नी हथौड़े से जरी मारना है, तो आपको कम से कम चार चार रूम को कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही आपको। नॉर्मली अगर आप बिगिनियर है, अभी अभी काम चालू किया, तो आपको 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये आप पे 6 रूम है, मैंने 6 रूम की झरी कटिंग सिर्फ 1 दिन में की है, आप सोच सकते हैं कि इससे कितना फास्ट काम होता है। एक बोर्ड की झरी कटिंग आप कम से कम पकड़ लो 10 मिनट लगते हैं, एक बोर्ड की झरी कटिंग को सिर्फ 10 मिनट, आप जो 6 रूम का पकड़ लो तो 6 रूम के हिसाब से तीन तीन बोर्ड भी एक रूम में पकड़ लो, तीन तीन बार आप। तीन तीन 6 हो गए, और फिर 6 12 18, सिर्फ 18 बोर्ड सिर्फ 1 दिन में मैंने कंप्लीट कर दिया, लगा के पूरा पैक वुक कर दिया, मतलब जाम कर दिया सीमेंट और इसका मिश्रण लेके रेती का। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ आपको, अगर आपका कुछ बड़ा काम है, थोड़ा सा बड़ा काम है या बड़ा नहीं भी है, तो आप सिर्फ ब्रेकर खरीद सकते हो। ये देखिए अभी मेरा झरी कटिंग होने के बाद मैं पाइप लगा दिया, मैंने पाइप का वो जब मैंने पाइप बेड में लगाया, जो सीलिंग से बेड आया हुआ है वहाँ पे मैंने बेड लगा दिया, और वो जहाँ पे मेरे को सीलिंग से नीचे में पॉइंट देना है वहाँ से मैंने 14 या 16 इंच छोड़ दिया हूँ, और वहाँ से जंक्शन बॉक्स लगा दिया, फिर जंक्शन बॉक्स के साइज़ का मैंने पाइप काट दिया ऊपर वाला, अभी मैं उसी में जंक्शन बॉक्स लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, आप ये ध्यान जरूर रखें कि जहाँ पर आप जंक्शन बॉक्स लगा रहे हैं, सिर्फ जहाँ पे जंक्शन बॉक्स या पॉइंट का काम है आप उसी में पाइप लगाएं, और जहाँ पे पाइप नहीं लगा रहे जंक्शन बॉक्स पे तो इस तरह का टेप लगा दीजिए, जिससे कि उस पर अगर प्लास्टर होता है तो वो सीमेंट या प्लास्टर मसाला उस पर ना जाए। अगर वो चला गया तो क्या होगा, होगा ये कि जो अपना पाइप है वो जाम हो जाएगा, तो ये ना हो इसलिए हमने टेप लगा दिया। अब टेप लगाने के बाद अभी मैं नीचे वाला पाइप लगा दे रहा हूँ जो कि मेरे 12 मॉडल के बोर्ड में जाएगा। हो गया, अब मैं आप पे खिले ठोक दूँगा, आप हो सके तो 1-1 फीट पे खिले ठोक किएगा, खिल लगा दीजिएगा, जिससे ये होगा कि वो पाइप हिलेगा नहीं, और अब प्लास्टर करते समय मिस्त्री जो प्लास्टर करते हैं वो भी निकलेगा नहीं, अगर आप खिले नहीं लगाते हो पाइप हिल जाता है तो फिर वो मिस्त्री का प्लास्टर निकल जाता है। अगर आप हो सकते तो फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सीमेंट का और रेती का मसाला बना के आप वहाँ लगा सकते हो। अब मैं दूसरी भी कील ठोक रहा हूँ, बस पाइप हिलना नहीं चाहिए, देखिए मैं बार बार हिला के देख रहा हूँ पाइप के, पाइप हिलना नहीं चाहिए, इसलिए हिला के देख रहा हूँ क्योंकि वो प्लास्टर करते समय फिर मिस्त्री को परेशानी ना हो।
अब ये दूसरा कील लग गया। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब मार दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे कील मार दिया। ये देखो, ये मैं मेटल बॉक्स लगा रहा हूँ, उसके थोड़ा 2 इंच मेटल बॉक्स लगा दिया तो आप देख रहे होंगे मैंने 2 इंच ज़्यादा पाइप काट दिया हो। तो आप भी वैसा करो, 2 इंच ज़्यादा पाइप काट के रखें। आप जब भी बोर्ड जाम करोगे, मेटल बॉक्स जाम करोगे, जहाँ पे ये झरी दिख रही है, जो मेटल बॉक्स का गाला बना हुआ है, वहाँ पर आप सीमेंट मसाला मार देना। अभी मेरी झरी ख़त्म होने की है तो इसलिए मैं अभी सीमेंट मसाले नहीं मार रहा हूँ। जब मैं मसाला बना दूंगा तो मैं पीछे में मार दूंगा और पूरा फोर्ड को जाम कर दूंगा। आप देखिए, यहाँ पे जो होल है मेटल बॉक्स में, वो इसे पाइप डाल रहा हूँ। तो बस आप भी इसी तरह, और दोस्तों ध्यान रखिए कि ये पोर तो आड़ा टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल लेवल में आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल लेवल में आना चाहिए। मैं पहले पाइप को जाम कर दे रहा हूँ कील लगाकर। बस आप भी इसी तरह कीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। चलो बाय।